बिहार में एक बंगले का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि दूसरे बंगले का विवाद शुरू हो सकता है। तेजस्वी का मामला अब जहां सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वहीं अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले पर तलवार लटकनी शुरू हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला आवंटन कराने वाले कानून की संवैधानिकता पर पटना हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों जिन्हें आजीवन आवासीय बंगला आवंटित हुआ है उन्हें नोटिस भेजा गया है। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए उनसे 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई अब 11 फरवरी को होगी। दरअसल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कोर्ट ने आदेश दिया। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और नोटिस हुए सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से इस बाबत जवाब भी मांगा है कि यदि उन्हें बिहार राज्य विशेष सुरक्षा कानून के तहत सुरक्षा मुहैया कराई जाती है तो वे पटना में स्थित अपने निजी आवासों में क्यों नहीं रह सकते। राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा सूबे के मुख्य सचिव के जरिए दायर करने का आदेश भी हाई कोर्ट ने दिया है। अब ऐसे में अगर कोर्ट दाखिल जवाबों से संतुष्ट नहीं होता है तो देखना होगा कि क्या यूपी की तरह बिहार में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा।